सो रहे हैं। वो मैंने देखा था बाहर, फलक आई थी। ऐसे आपने ना बहुत अच्छा किया उसके साथ। मैं तो अपनी अम्मा को ना सारी उम्र यही कहती रही, ये जो है ना उल्टे पैरों की पैदा हुई है, पहले अपने माँ बाप को खा गई और हमारे घर कदम रखते ही मेरे अपा का एक्सीडेंट हो गया और वो बेचारे हमेशा की नींद सो गए। और तो और हम पे कम मुसीबतें आई हैं इसकी वजह से। और आप यही देख लें, आपके घर कदम रखते ही तैमूर साहब का क्या हाल हो गया, और तो और तैमूर साहब की शादी भी टूट गई। ये क्या कम बात है। है तो वाकई मनहूस। वैसे किंजा अभी आपने ना तैमूर साहब की शादी करने में ना बहुत ही जल्दबाजी कर दी। भला आपसे दबकर रहने वाली, आपका हुक्म मानने वाली और तैमूर साहब को संभालने वाली लड़कियां क्या इस दुनिया में कम थी जो आपने इससे शादी कर दी उनकी। तुमसे किसने कहा कि मैं तैमूर की बीवी को दबा के रखना चाहती हूं? वो मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो ये कहना चाह रही थी आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो बहुत ही लीडर टाइप है, तो आपका हुक्म तो चलना चाहिए ना। ये तो मुझसे बड़ी गलती हो गई। जारा के गुस्से में आकर मैंने पता नहीं सियान नसीब वाली को अपने घर में जगह कैसे दे दी। सियान नसीब के साथ साथ ये बहुत घुन्नी भी है, इसको जरा भी मौका मिला ना आपके लाडले देवर को आपसे दूर कर देगी। और तो और पता है मुझे क्या कह रही थी, कह रही थी कि तैमूर साहब को अपने हाथों में करना ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो शुक्र है कि तैमूर साहब का एक्सीडेंट हो गया, वरना अभी तक तो अपना जादू चला ही चुकी होती। ऐसा तो मैं भी कभी नहीं होने दूंगी। वो किंजाबी मैं कह रही थी कि आप काफी थक गई हैं, देखें तो सही आपकी आंखों के नीचे कितने स्याह हल्के भी आ गए हैं, मेरे ख्याल से आपको रेस्ट करना चाहिए। मुझे अपने मामलात को अच्छे तरीके से देखना आता है। जाओ अपना काम करो। ये भी है, बहुत प्यार करती हैं ना आप अपने देवर से। आप ही आप ऐसा करें, आप यहीं पे रेस्ट कर लें, मैं हूं ना तैमूर और सुहेल भाई के साथ। सुहेल सुहेल भाई, ये शुक्रिया। सुहेल भाई आप थक गए होंगे, सारे दिन ऑफिस भी गए थे। मैं और किंजापी हैं यहाँ पे, हम ख्याल रख लेंगे। आप ऐसा करें घर चले जाएं। नहीं, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। क्या आप कल भी जाएंगे ऑफिस? जाना तो पड़ेगा, काम रुक जाता है। तैमूर भी नहीं है, मैं भी नहीं जाऊंगा तो मसला हो जाएगा। तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए था। किंजा बता रही थी कि नसरीन खाला की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। हाँ वो अम्मा की तबीयत ना ऊंची नीची होती रहती है, मैं तो घर जाना चाह रही थी मगर अम्मा है ना, अम्मा ने मुझे मना कर दिया, कह रही थी वहीं रुको, किंजा अभी को ज्यादा जरूरत होगी। किंजा क्या कर रही है? किंजा अभी भी थक गई थी, बेंच पे लेटे लेटे सो गई। मुझे तो बस आपकी बहुत फिक्र हो रही थी, कल सारा दिन आप ऑफिस भी गए और सारी रात इस तरह बेंच पर, मुझे तो। मैं ठीक हूं, मैं थैंक यू, परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा आप चले जाएं घर, मैं तो कह रही हूँ। सही है, ठीक है। चाय चाय ठीक है? ठीक है, कुछ और चाहिए? मैं ला दूँ आपको? नहीं जरूरत नहीं।